वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नैक्स अवर डिस्को में आपका स्वागत है। अभी हमें कोलाया हनीपनिया से यहाँ के हम पहुँच चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा सांप निकलता है। तो इन लोगों ने उनको रोक करके रखा हुआ है। अभी ठंडा का मौसम है, अभी तो सांप नहीं मिलते हैं, पर कैसे निकला है तो अभी हम उसको रेस्क्यू करने के बाद उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इन लोगों ने इसी के अंदर उस सांप को रोक करके रखा हुआ है, तो देखते हैं कौन सा सांप निकलता है। छना टी मेरा मु देखो ना हिया हां मु बेरा दो ठीक है देखो नि छना खेल देला की रागी वाला पूरा पिपलिंग काट ला देने करा। हां 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 अच्छा केला ले दो दो ना काग दो तो सब फोन ला दो पर की क्या कर ले सामने करा चल 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 कुल चल कुल ले चला ऊ वाला रख दे रख दे दा 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 वो सही के स्पेक्टल कोबरा है। इसको हम लोग हिंदी में भारतीय नाग और बंगला में खरीस और बंगला में हां के लिए हमने आप सामने फोटो आते हैं थोड़ा फोटो आते हैं। हां मौसम में तो ये सब मिलते नहीं है क्योंकि ये सब हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, तब इसको हम सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए हैं तो बाहर ले जाते हैं। उसके बाद इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। चलो लेट्स गो। सांप को कभी मारे नहीं क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण भी होते हैं और ये चूहों को कम करने में काफी मदद करते हैं अपने पर्यावरण को मेंटेन रखने में। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है क्योंकि अगर ये एक बार काट ले तो सीधा हॉस्पिटल डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही इसका दवाई मिलेगा, वो भी मुफ्त में PMCH में। और अगर भूल से भी अगर ओझागुनी के चक्कर में जाइएगा तो जान से हाथ धो बैठिएगा। तो ये सांप काफ़ी डरा हुआ है, अभी इसको चेक करते हैं उसके बाद इसको जंगल में रिलीज कर देंगे। अपने डोरा गला उठो घर पर आ जाए लो कोई चाहिए यार को
দেখিলে তারা নিউ না যাস कभी भी हमारा कॉपी ना करें, हमें देख करके इस तरह कभी कॉपी ना करें, क्योंकि इसमें हमारे काफ़ी मेहनत लगा हुआ सीखने में। ढक्कन कहाँ रेस्क्यू रेस्क्यू क्या चार जल्दी चले देगा तो फ्री हो ना हम जंगल में रिलीज कर देंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ लोगों, इन्होंने हमें कॉल किया है और यहीं पर मेरे बचपन यही बीता है और यहाँ पर हमारा मामा घर है और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी आया हूँ। अभी रेस्क्यू हो चुका है, अब इसको हम जंगल में रिलीज कर देंगे। ठीक है ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक्स एवर डिस्को में। और एक दिन पहले जो हमने एक हॉस्पिटल कोबरा जो रेस्क्यू किया था जो कि निपनिया गांव से, तो उसको आज हम जंगल में रिलीज़ करने के लिए आए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि ठंड की वजह से ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो इसको हम छोड़ देना ही ज़्यादा मुनासिब समझे हैं। तब इसको हम जंगल में रिलीज़ कर देंगे इसको परिवेश में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अभी इसको जंगल में हम लोग रिलीज़ करेंगे। तो अगर जाकर भी अभी मनुष्य से दूर दूरी बने रहे, हमारा मकसद ये है इंसानों को सांप से बचाना और सांपों को इंसानों से बचाना। इस साल हमने कई बेजुबानों का जान बचाया और अभी ठंड के दिन बहुत कम मिलते हैं, पता नहीं ये कैसे निकल गया था। तभी इसको हम रिलीज कर देते हैं ताकि अपना परिवेश में बचे रहें उसका। तो एक हॉस्पिटल कोबरा, क्योंकि तो ठंड की वजह से इसको काफ़ी परेशानी हुई है, तो हमने इसको सोचा कि नहीं इसको जल्द से जल्द इसको रिलीज़ कर दिया जाए ताकि इसको परेशान ना हो इस मेजबान का। तो मतलब किसी अगर हमारे हाथों अगर जान चला जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा। तो अभी हम इसको रिलीज कर देते हैं ताकि देखिए इतना कमज़ोर पड़ चुका है ठंड की वजह से, क्योंकि अपना फोन नहीं फैला पा रहा है। तो देखते हैं आगे, देखिए किस तरह से ये बाइट करने का कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह से जब सांप को खतरा महसूस होता है तो काट लेते हैं, क्योंकि ये सांपों का नेचर ही है काटना, और ये जानबूझकर किसी को कभी हमला नहीं करते हैं। धोखा फॉरन होटल फोटो लेना है, वीडियो बंद कर हमला करिए फोटो ले। सांप को रिलीज कर दिया गया है।